पहले जमाने में चूल्हे हुआ करते थे, चौके बोलते थे जिनको, चूल्हा जलता था सुबह और शाम, दो टाइम ही चौका जलता था। वो गैस तो थी नहीं कि फटाक से लाइटर दबाया गैस चालू कर दी, तो सुबह का खाना बन गया और 5-10 रोटी एक्स्ट्रा बनाई जाती थी ताकि कोई मेहमान आ जाए बाई चांस तो वो भूखा नहीं रहे, बच्चों को कभी भूख लग जाए तो वो खा ले। तो सुबह शाम दो समय चौका जलता था, एक्स्ट्रा रोटी बनाई जाती थी। आजकल क्या हो गया है, तो कितनी खाएगा तो कितनी खाएगा तो कितनी खाएगा, घर में चार जने, अच्छा दो रोटी तीन रोटी, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके जितना खाएंगे उतनी रोटी बना के रख दी जाती है, बच जाए तो नाराज होते कि क्यों बच गया। रोटी जो बच रही है वो किसी निमित्त बची है, किसी गाय के, किसी कुत्ते के, किसी के निमित्त बची है, जीव जानवर के निमित्त बची है, वही तो पुण्य है। पर आजकल हम इतना कैलकुलेटिव हो गए हैं कि रोटी भी कैलकुलेट करके बनाते हैं, तो बच नहीं चाहिए, और बच जाए तो उसको गाय को डालने में चूर आएगा, उसको रोटी को चूर के बगाड़ के खा लेंगे, क्या मानसिकता है, हर घर घर की कहानी।